फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज हम नवंबर माह के एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी से रिलेटेड करेंट अफेयर्स की बात करेंगे। जानते हैं काला नमक राइस के बारे में। हाल ही में IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हाल ही में इसकी दो वेराइटीज को सक्सेसफुली टेस्ट किया है, जो की डबल यील्ड प्रोवाइड करेंगी। इन पौधों को छोटा रखने के लिए रिसर्च की गई है। अब ये काला नमक राइस जो है ये उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। ब्लैक हस्क होती है इसकी और स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है। माना जाता है कि भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती आए थे तो वहाँ इस वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के तराई क्षेत्रों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 11 डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है और कुछ नेपाल के हिस्से में भी उगाया जाता है। देखिए, अब जो रिसर्च हुई है वो पौधे को बौना बनाए रखने के लिए, ड्वार्फ बनाए रखने के लिए हुई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इसमें लॉगिंग की प्रॉब्लम ना हो। लॉगिंग की प्रॉब्लम मतलब जब पौधा बड़ा होता है उसमें बालियां लगती हैं तो वो अपने भार के कारण नीचे झुक जाता है, इसलिए इसे बौना रखने की कोशिश की जा रही है ताकि इसकी पैदावार डबल की जा सके। इसे GI टैग भी दिया जा चुका है। अब इन दो वेराइटीज के नाम है पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। आगे है सेवेलुक वोल्केनो। ये कमचटका प्रायद्वीप में उपस्थित है। हाल ही में इसमें हलचल बढ़ गई है, मतलब ये इरप्ट हो सकता है। अब यहाँ कमचटका प्रायद्वीप रशिया में उपस्थित है। यहाँ एक एंशिएंट कॉल्डेरा भी उपस्थित है। आगे जानते हैं हिमालयन याक के बारे में। हाल ही में FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हिमालयन याक को फूड एनिमल टैग दे दिया है। ये जो हिमालयन याक है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नॉर्थ बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। वहीं वाइल्ड याक तिब्बत, मंगोलिया और रशिया आदि में पाए जाते हैं। याक का मिल्क हाईली न्यूट्रिशियस होता है। ये फैट और प्रोटीन से भरपूर होता है, लेकिन ज्यादातर लोग याक के मिल्क को पसंद नहीं करते और ना ही इनका सेवन करते हैं, ना ही इसके मीट को ज्यादा पसंद किया जाता है। इस याक को फूड एनिमल टैग इसलिए दिया गया है ताकि लोग इसके मिल्क और मीट के कंजप्शन को बढ़ा दें और किसान भी इसके पालन को बढ़ा दें ताकि इनकी संख्या बढ़ सके। आगे जानते हैं लेथ सॉफ्ट सेल टर्टल के बारे में। हाल ही में साइट्स की 19th मीटिंग पनामा में इंडिया ने एक प्रपोजल रखा कि लेथ सॉफ्ट सेल टर्टल को साइट्स के अपेंडिक्स 2 से हटाकर अपेंडिक्स 1 में रख देना चाहिए और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी किया गया। ये जो लेथ सॉफ्ट सेल टर्टल हैं, ये सिर्फ इंडिया में सदर्न पेनिनसुलर इंडिया में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु के क्षेत्र में। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सॉफ्ट शील्ड टर्टल हैं, रिवर्स और रिजर्वॉयर्स में रहते हैं। ये IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में है और शेड्यूल 4 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। अब इनको खतरा भी है, इनकी पोचिंग की जाती है इनकी मीट के लिए, इनकी कैलिपी के लिए, कैलिपी मतलब जो कवच के नीचे येलो सब्सटेंस पाया जाता है उसके लिए, तो इनकी पोचिंग को रोकना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। आगे जानते हैं सी कुकम्बर के बारे में। ये कुकम्बर के जैसे दिखने वाला ही जीव है, बेंथिक है, समुद्र के तल में नीचे रहता है अंधेरे में। हाल ही में साइट्स की 19वीं बैठक में इस सी कुकम्बर को अपेंडिक्स 2 में लिस्टेड करने की बात कही गई है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सी कुकम्बर जो होता है वो रेत को खाते हैं, क्योंकि इन्हें न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो रेत को खाकर जितने भी न्यूट्रिशियस पदार्थ हैं उनका ये पाचन कर लेते हैं और बची हुई रेत को कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में बाहर कर देते हैं। इन्हीं कैल्शियम कार्बोनेट पर कोरल रीफ्स बनती हैं और कोरल सर्वाइव करते हैं, इसीलिए मरीन इकोसिस्टम के लिए ये सी कुकम्बर एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये IUCN की एंडेंजर्ड लिस्ट में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है। इंडिया से इसकी ट्रैफिकिंग भी बहुत की जाती है। 2020 में लक्षद्वीप ने सी कुकम्बर के लिए वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन एरिया तैयार किया। आगे जानते हैं यूरोपियन ईल के बारे में। ये सांप जैसे दिखने वाली मछली है। साइट्स के COP19 में ये डिसाइड किया गया कि ईल के ट्रेड को कम करने के लिए और इसे संरक्षित करने के लिए कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथन किया जाएगा। ये जो फिश है ये कॉन्टिनेंट्स के फ्रेश वाटर और एस्चुरी हैबिटेट में पाई जाती है। रशिया के नदर्न पार्ट में, फिनलैंड में, मोरक्को, इजिप्ट, ब्लैक सी के कोस्टल एरिया में पाई जाती है। नॉक्टर्नल है और छिपकर शिकार करती है। IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में है। साइट्स के अपेंडिक्स 2 में उपस्थित है। आगे लॉस एंड डैमेज फंड। ये COP27 शर्म अल शेख में जो मीटिंग हुई COP27 की, उसमें इस फंड के निर्माण की बात कही गई। इसमें डेवलपिंग कंट्रीज जो होंगी वो फंड में कंट्रीब्यूट करेंगी ताकि जो क्लाइमेट चेंज के कारण डैमेज हुआ है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल कंट्रीज को, उनके डैमेज को रिपेयर करने के लिए, उन्हें और सहायता देने के लिए इस फंड का यूज किया जा सके। आगे जानते हैं इंडियन केमिकल्स काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव के बारे में। इसे ऑर्गेनाइज कराए यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ केमिकल एसोसिएशन के साथ मिलकर। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी इसमें शामिल है।
ये इसका फोर्थ एडिशन था। इसमें केमिकल की जो पूरी लाइफ साइकिल है उसे सस्टेनेबली मैनेज करने का एम रखा गया है। इस बार की थीम थी बोर्ड रूम्स टू कम्युनिटी ESG, कार्बन न्यूट्रलिटी, ऑपरेशनल सेफ्टी एंड ग्रीनर सॉल्यूशंस। अब यहाँ इंडियन केमिकल्स काउंसिल की बात करें तो इसे 1938 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये एक ऐसी अपेक्स नेशनल बॉडी है जो नेशनल लेवल पर इंडिया की सारी केमिकल इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करती है। इसमें सारे प्रकार के केमिकल आ जाते हैं, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल, प्लास्टिक एंड पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, डाइस्टर्ब्स, डाई इंटरमीडिएट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, पेंट्स आदि। इंडियन केमिकल काउंसिल इंडिया के केमिकल इंडस्ट्रीज को ग्रो करने पर भी काम करती है और केमिकल्स के रिस्पॉन्सिबल यूज को भी बढ़ाती है। आगे है साइबेरियन रूबी थ्रोट। ये एक रेयर विंटर माइग्रेटरी बर्ड है। ये टैगा वनस्पति के लोलैंड में सब अल्पाइन श्रबरी लैंड में पाया जाता है। मुख्यतः साइबेरिया के कॉर्निफेरस फॉरेस्ट में पाया जाता है, लेकिन वहाँ जब ठंड ज़्यादा होती है तो ये माइग्रेट करते हैं साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, थाईलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश की तरफ। ये एक इंसेक्टिवोरस है, मतलब कीट पतंगे खाता है। IUCN के लिस्ट में लीस्ट कंसर्न्ड है और CMS के अपेंडिक्स 2 में लिस्टेड है। अभी जानते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स के बारे में। हाल ही में इंडिया, चाइना, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने इसका विरोध किया है। ये टैक्स यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया था COP27 में, जो इजिप्ट के शर्मल शेख में हुआ। ये एक प्रकार का इंपोर्ट पर लगने वाला टैक्स है। देखिए, जिन भी प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में कार्बन का एमिशन ज्यादा होता है ना, उनके इंपोर्ट्स पर ये टैक्स लगा दिया जाएगा ताकि उनके इंपोर्ट को डिस्करेज किया जा सके। इसमें इलेक्ट्रिसिटी, आयरन, स्टील, फर्टिलाइजर, एल्यूमिनियम, सीमेंट आदि के प्रोडक्ट आते हैं। यूरोपियन यूनियन ने इसके लिए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी लाया था जो 2026 तक तैयार हो जाएगा। यदि ये टैक्स लगाया जाता है तो हमारा जो 17% एक्सपोर्ट होता है यूरोपियन यूनियन में, उसमें से 6% एक्सपोर्ट प्रभावित हो जाएगा। आगे आते हैं इंडिया के लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के बारे में। तो लो कार्बन के एमिशन के लिए इंडिया ने यह स्ट्रेटजी बनाई और इसे अनाउंस किया COP27 शर्मल शेख इजिप्ट में। ये पेरिस एग्रीमेंट 2015 के लिए इंडिया के कमिटमेंट को दर्शाता है। इंडिया इसमें 7 की पिलर्स पर काम करेगा। पहला, लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को डेवलप करेगा। फिर इंटीग्रेटेड एफिशिएंट इंक्लूसिव लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी डेवलप करेगा। फिर एनर्जी और मटेरियल एफिशिएंट बिल्डिंग बनाई जाएंगी। फिर लो एमिशन इंडस्ट्री सिस्टम को भी डेवलप किया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल से संबंधित इंजीनियरिंग सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। फिर फॉरेस्ट कवर को लगातार बढ़ाया जाएगा। फिर लास्ट में क्लाइमेट रेजिलियंस को इंक्रीज करके पॉवर्टी को कम करेंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर काम करेंगे। आगे आते हैं तिब्बतियन एंटलोप के बारे में। देखिए, हाल ही में पश्मीना सॉल के जो ट्रेडर्स हैं उनके कंसाइनमेंट को रोक दिया गया, क्योंकि पाया गया कि वे पश्मीना की जगह सैतूस गार्ड हेयर का यूज कर रहे थे सॉल बनाने के लिए। तो अब इन ट्रेडर्स ने मॉडर्न फॉरेंसिक मेथड को अपनाने को कहा है और कहा है कि हम पश्मीना सॉल ही यूज कर रहे हैं। देखिए, सैतूस गार्ड हेयर जो है वह तिब्बतन एंटलोप से निकाला जाता है। इसके बालों के रेशे बहुत ही कम माइक्रोन के होते हैं, लगभग 10 माइक्रोन के, जिससे गर्मी भी बहुत देते हैं ये और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन इन सॉल को बनाने के लिए अक्सर तिब्बतियन एंटलोप को मार दिया जाता था, उससे इनकी संख्या कम हो रही थी। इसलिए इंडियन सरकार ने इनसे बली सॉल को बैन कर दिया, इलीगल घोषित कर दिया। इसलिए ये न्यूज़ में था। तिब्बतियन एंटलोप IUCN की नियर थ्रेटन लिस्ट में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के Schedule 1 में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। ये चाइना की नेटिव स्पीसीज है, तिब्बत जिनजियांग रीजन में पाया जाता है और नॉर्थ ईस्टर्न लद्दाख रीजन में भी मिलता है। नेपाल से ये लुप्त हो चुके हैं। आगे जानते हैं कैस्पियन सील के बारे में। देखिए, कैस्पियन सागर के पास 130 कैस्पियन सील्स की डेड बॉडी मिली, इसलिए न्यूज में है। कैस्पियन सील की बात करें तो ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ईयरलेस सील होता है जो मोनोगेमस है, मतलब एक ही लाइफ पार्टनर रखता है। सिर्फ कैस्पियन सी में पाया जाता है। कॉर्निवोरस है, छोटी छोटी मछलियां खाता है। IUCN के एंडेंजर्ड लिस्ट में है, CMS के अपेंडिक्स 1 और 2 में है। आगे है कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपनी 17वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नोटिफाई किया। ये सेंचुरी कृष्णागिरी और धर्मगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में उपस्थित है। देखिए, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों ही तमिलनाडु में है, लेकिन एक और है द कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कर्नाटक में उपस्थित है। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक प्रकार का एक्सटेंशन है, जिसमें 2 टाइगर रिजर्व, BIT टाइगर रिजर्व ऑफ कर्नाटक और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ऑफ तमिलनाडु आते हैं और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मलई मदेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है। स्टेट गवर्नमेंट ही इन सेंचुरीज को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 26A के तहत डिक्लेयर करते हैं।
कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 35 स्पीसीज ऑफ मैमल उपस्थित हैं और 238 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स उपस्थित हैं। आगे है ग्रीन वॉशिंग। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ग्रीन वॉशिंग एंड फाल्सिफिकेशन ऑफ कार्बन एमिशन बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। देखिए, ग्रीन वॉशिंग को समझते हैं तो कोई भी इंडस्ट्री या कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना कार्बन एमिशन कर रही है, जितना पॉल्यूशन कर रही है, वह अपनी रिपोर्ट में उस एमिशन से कम एमिशन दर्शाती है। वह दर्शाती है कि उसकी कंपनी इतना पॉल्यूशन नहीं कर रही, जिसके थ्रू उस कंपनी को कंपेंसेशन भी कम भरना होता है, लेकिन अब ऐसा टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आगे है मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट, MGI समिट। देखिए, हाल ही में COP27 की इजिप्ट में जो मीटिंग चल रही थी, वहां पर हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इस मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट को भी अटेंड किया। इसे लीड किया गया सऊदी अरेबिया के द्वारा। इसका एम है कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के रीजन में जो क्लाइमेट एक्शंस हैं उनके लिए डिफाइंड रोड मैप तैयार करना। इसकी पहली समिट सऊदी अरेबिया के रियाद में 2021 में होस्ट की गई थी। आगे बात करते हैं एपिस कैरिंजोडियन के बारे में। ये नई स्पीसीज है हनी बी की, जो वेस्टर्न घाट में मिली। 200 साल बाद हनी बी की कोई स्पीसीज मिली है वेस्टर्न घाट में। इसे नाम दिया गया है इंडियन ब्लैक हनी बी। ये हनी बी एंडेमिक है सेंट्रल वेस्टर्न घाट की तथा नीलगिरी से लेकर सदर्न वेस्टर्न घाट तक पाई जाती है। IUCN स्टेटस है नियर थ्रेटन्ड। ये हायर क्वांटिटी ऑफ हनी प्रोड्यूस करता है। आगे है प्रोजेक्ट अरुणांक। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं उसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और इन्हें प्रोजेक्ट अरुणांक के तहत बनाया जाता है। हाल ही में बॉर्डर रोड्स को बनाने के लिए प्रोसेस्ड स्टील स्लेज का यूज किया गया है प्रोजेक्ट अरुणांक के अंतर्गत। ये प्रोजेक्ट 2008 में शुरू किया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। BRO की बात करें तो 1960 से काम कर रहा है ये। इंडिया के बॉर्डर एरिया के साथ साथ नेबरिंग कंट्रीज जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है उनमें भी रोड बनाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। अफगानिस्तान में 2008 में इसने ही देलाराम जरांग हाईवे भी बनाया था और अफगानिस्तान गवर्नमेंट को हैंडओवर किया था। आगे है सेना स्पेक्टेबलिस। ये एक इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है। दिखने में ये पेड़ सुंदर होता है लेकिन इतना फैल जाता है बड़े होकर कि यहाँ के इंडिजिनियस जो स्पीसीज हैं उन्हें बढ़ने के लिए न्यूट्रिशन और सनलाइट नहीं मिल पाती। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में इसे हटाने के लिए प्रोसेस की जा रही है तमिलनाडु में।